हे hey दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम सभी नए साल मनाते हैं और पिछले साल को भूलकर नए साल में कुछ नया करना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि सबसे पहले नए साल किसने मनाया और कहाँ मनाया। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में ऐसी ही कुछ खास बातें बताने वाला हूँ और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इस साल यानी 2021 में क्या क्या बदलाव हुआ है और इस साल सबसे तेजी से क्या ग्रो करने वाला है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। सो फ्रेंड्स, मैं गुड्डू आपका स्वागत करता हूँ ऑलवेज थिंक समथिंग चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले नया साल जूलियस सीजर नाम के व्यक्ति ने मनाया था और वो रोम का रहने वाला था। ईसा पूर्व 45वें वर्ष में जब जूलियस कैलेंडर की स्थापना की, उस समय विश्व में पहली बार 1 जनवरी को नए वर्ष का उत्सव मनाया गया। और दोस्तों, ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के बाद का वर्ष। दोस्तों, मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आपको इस साल यानी 2021 में क्या क्या बदलाव हुआ है और इस साल क्या ग्रो करने वाला है उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ग्रो यानी सबसे तेजी से फैलने वाली टॉपिक के बारे में बात करें तो नंबर 1 पर आता है वर्क फ्रॉम होम। तो आप कहेंगे यही क्यों? तो दोस्तों, आपको पता ही होगा जब पहली बार कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन हुआ था तब सभी लोग वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन वर्क कर रहे थे। तो दोस्तों, उस वक्त यह बहुत ही अच्छा साबित हुआ था और उस समय से यह चर्चा में है और यह सभी कंपनियों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इनफेक्ट व्हाट्सएप ने अभी अपना डिजिटल शोरूम लॉन्च कर दिया जिसे आप ऑनलाइन दुकान भी कह सकते हैं। दोस्तों, और नंबर 2 पे आती है जियो। जियो इस साल अपना 5G लॉन्च करने वाला है, मतलब हमें टेलीकॉम या मोबाइल इंडस्ट्रीज में बहुत सारे फ्यूचर्स भी मिलेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बदलाव की। दोस्तों, इस साल के स्टार्टिंग दिन से ही बहुत सारी चेंजिंग देखने को मिल रही है, जैसे कि नंबर 1 NCMC कार्ड। दोस्तों, अगर आपको NCMC कार्ड के बारे में पता नहीं है तो मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाई है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं और इसकी जानकारी ले सकते हैं। नंबर 2 IRCTC साइट अपडेट। दोस्तों, IRCTC के वेबसाइट अब आपको नए लुक में देखने को मिलेगी जिसमें बहुत सारी फीचर्स अपडेट हुई है। नंबर 3 जियो फिर से नॉन जियो अनलिमिटेड हो गया। दोस्तों, पहले क्या था, आप दूसरे कंपनियों के सिम पे कॉल करते थे तो आपका मिनट कट रहा था, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। अब जियो ने नॉन जियो अनलिमिटेड कर दिया है। और इस साल की सबसे बड़ी सफलता कोरोना वायरस की वैक्सीन का टीकाकरण लगना। दोस्तों, हम कई दिनों से कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे लेकिन इस साल कोरोना का टीका लगना शुरू हो गया है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल करिए ताकि मैं जब भी नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।